बंधुओं आप सभी को नमस्कार। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और जैसा कि आप सबको विदित है, आज और कल अर्थात 16 और 17 जनवरी ये दोनों दिन भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले, राष्ट्रीय कार्य समिति से पहले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में संपन्न हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक परिपाटी है कि पदाधिकारी बैठक पहले होती है और उसके पश्चात कार्य समिति होती है, और जिन प्रस्तावों, जिन कार्यक्रमों को लेकर पार्टी का प्रस्तुतिकरण राष्ट्रीय कार्य समिति में होती है, उनकी तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के बीच में अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में चर्चा होती है। आज वह प्रक्रिया अभी पूर्ण हुई है और थोड़े देर के पश्चात राष्ट्रीय कार्य समिति आरंभ होगा। और जैसे कि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित रहने वाले हैं। इस बैठक में माननीय राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ साथ समस्त प्रदेश अध्यक्ष, समस्त प्रदेश महामंत्री संगठन, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी और जो पदाधिकारी हैं मुख्य टीम के, सारे पदाधिकारी भी मौजूद थे। दो विषय ध्यान देने योग्य है इस बैठक में। यह एक इको फ्रेंडली राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक थी, जिसमें कहीं भी प्रयास करके सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड किया गया है। पर आप देख सकते हैं कि जो नेम प्लेट इत्यादि भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भी जूट का बना हुआ है, यह भी इको फ्रेंडली तरीके से निर्मित है। ठीक उसी प्रकार जो भोजन इत्यादि भी इस बैठक में सर्व किया गया है, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष को ध्यान में रखते हुए मिलेट से बने हुए आइटम्स यहां सर्व किए गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जो हम कहते हैं वो हमें कार्यान्वित भी करनी है, वह हमने कार्यान्वित भी किया है। यह एक स्टेटमेंट था। इतना कहकर मैं आप सभी का अभिनंदन करूंगा और आपको स्वागत करूंगा। राष्ट्रीय कार्य समिति को कवर करने के लिए आप सभी जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।